इन्फो फॉर पेशेंट। इजाफी चर्बी जो जिस्म में होती है उसको बड़ा कट लगाए या कोई बहुत बड़ा स्कार दिए बगैर। लाइपोसक्शन वजन कम करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। उन एरियाज की जाती है जहाँ पर एक्सेसिव इकट्ठी हो जाती है और देखने में बुरी लगती है और जिस्म के कॉन्टूर्स को ख़राब कर रही होती है, तो हम परफॉर्म हम करते हैं वो पेट की, कमर की, टांगों की, बाजों की। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी डबल चिन होती है। आइदर यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन और नॉट। बड़ा स्कार नहीं आता, जिसमें अक्सर सवालात होते हैं कि कोई कट तो नहीं लगेगा, कोई लंबा स्कार तो नहीं आएगा। सो इसमें बहुत छोटा सा स्कार दिया जाता है, जिसमें से हमने अगर तो चर्बी बहुत कम एरिया की निकालनी है और एरिया ऐसा है जो कि कम्फर्टेबली क्लिनिक कंसल्टेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि सारे रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट कर लिया जाए। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिसिन आप ऐसे ले रहे हैं जो हमें स्टॉप कराने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी एक्टिव डिजीज़ है, या उस प्रोसीजर के लिए आप अच्छे कैंडिडेट हैं भी या नहीं हैं। सो उस सारी कंसल्टेशन का मकसद जो है वो ये होता है कि आपके रिस्क फैक्टर्स को देखना। सो रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं अगर कोई ऐसी एक्टिव डिजीज़ है जिसकी मौजूदगी में, और देर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमने प्रोसीजर करने से पहले रूल आउट करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बुशरा अकरम और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात भी करेंगे और उनके जवाब कोशिश करेंगे कि आपको दिए जा सके। डॉक्टर साहब, लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोसक्शन बेसिकली ऐसा तरीका इलाज है, ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम मरीज के इजाफी चर्बी जो जिस्म में होती है उसको कैनुलास के थ्रू, सक्शन मशीन के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ा कट लगाए या कोई बहुत बड़ा स्कार दिए बगैर। कौन से पेशेंट लाइपोसक्शन के बेस्ट?